नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। गोंडा से रामनारायण जयसवाल की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर सरजू नहर कट जाने से कई गांव के पानी की फसल हुई बर्बाद। ताजा मामला तरबगंज तहसील क्षेत्र के नगदही ग्राम सभा में पड़ने वाली सरयू नहर परियोजना प्रथम के तहत बनी नहर कटने से गांव की फसलें जलमग्न हो गई। नहर का पानी गांव के मजरा पक्के गांव में घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। हल्का लेखपाल रामेश्वर तिवारी ने शनिवार को गाँव पहुँचकर नुकसान का आकलन किया। शुक्रवार की शाम नहर कटने से पानी घरों तक लग गया, जिससे गांव के लोगों को घर से निकासी की समस्या हो गई है। वहीं संक्रमण की बीमारियां फैलने की संभावनाएं भी प्रबल हो गई हैं। गांव के चंदीराम, राधेश्याम, विनय कुमार, घनश्याम, ज्ञान सिंह, भाईलाल, भगवान तीन, पितर प्रसाद, गुल्ली, हरिराम, सूर्य कुमार समेत दर्जनों लोगों के घरों में पानी भर गया है। नहर के पानी से खेतों में हुए जलभराव से राघव राम चौबे की 2 बीघा के करेले की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 20 बीघा मक्के की फसल भी बर्बाद हो रही है। इसके साथ ही भगवान दीन प्रसाद, राधे श्याम, हरी राम, भाईलाल, गुल्ली समेत दर्जनों किसानों की मक्के की फसल जलमग्न होने से बर्बाद हो रही है। उप जिलाधिकारी शत्रुघ्न पाठक ने बताया कि हल्का लेखपाल को मौके पर भेजकर ग्रामीणों के हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नहर विभाग को सूचना दे दी गई है, जिससे नहर का पानी गांव में जाने से रोका जा सके। नाम है आपका? भाईलाल। कहाँ पे घर है? यही कुआं। अच्छा, ये नहर कटने से जो पानी भरा है गाँव में, हाँ, इसमें आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ साहब। क्या नुकसान हुआ? हमारा 1.5 बीघा तो मक्का बोरा है और घर में चौखटी के बिल्कुल पानी घर में हल जाएगा, नर्दा का तो अंगनों में चला गया है। कितने घर ऐसे हैं जिसमें पानी चले गए हैं अभी? वहाँ साहब घर में तो पानी वैसे 4-5 घर में तो बिल्कुल जा चुका है और नहीं तो बिल्कुल चौखटी के पानी चौतरफा गांव में लाग है। अच्छा। हाँ, सबके द्वारे द्वारे लाग है। मकान धस जाएगा साहब? अच्छा। हाँ, मकान भी धस गए हैं। धस जाए का शंका भावना है जब पानी किनारे से पानी लाग है। तो धस जाए कौन दे रहा है? अच्छा अच्छा। कोई आया था अधिकारी यहाँ पे? अधिकारी आए रहा, SDM आए रहा और SDI आए रहा और क्या नाम है, यही साहब आए रहा, लेखपाल आए रहा, जांच करके गए। हाँ, जांच करके। ठीक है। ठेकेदार काम लगवाए हैं, जहाँ बह रहा था तहाँ बोरी लगवा के भरवाते बनवाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे बनवाने से कोई फायदा नहीं होगा, जब का वो मजबूती से नहीं नहर बनाई जाएगी। बार बार नहर कट रही है? बार बार कट रही है। क्या नाम है चाचा? राघव राम। कहाँ घर है? गणेशपुर। ये नहर कटने से आपका भी नुकसान हुआ है कुछ? हाँ जी। क्या नुकसान हुआ? 2 बीघा करेला, 20 बीघा मक्का, 25 बीघा। ये नहर कटने से पानी? हाँ, नहर कटने से पानी भरने से पानी भरेगा। ये हाँ। पहली बार नहर कटी है यहाँ पे? क्यों नहीं, तीसरा साल है। हर साल कट रही है? हर साल कट रही है। तो इस पे कोई उपाय नहीं किया जा रहा सरकार के तरफ से? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अरे कहो खैर ख्वाही के चला जाते हैं। क्या क्या व्यवस्था हो जाए तो नहर का पानी ना आए इधर? नहर के अगर बगल से दोनों पक्की दीवार बन जाए तब भाई रुके नहीं, चिकनी माटी तो है नहीं, बरूही मिट्टी है, बह जाती है। कोई अधिकारी वगैरह भी आया था यहाँ पर नहर कटने के बाद में? लेखपाल आए हैं और उसके अलावा SDO आए हैं, JE आए हैं। हाँ, क्या कोई इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं रोकथाम के लिए? अब वो समय वहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, वही बोरी भरा कर माटी रखते हैं। अच्छा। जहाँ बह रहा है।